वेलकम बैक टू माई अनदर न्यू व्लॉग। तो आज है जन्माष्टमी और मैं जा रही हूँ आज इस्कॉन मेरे दोस्तों के साथ। आप ये ब्लॉग को एंड तक देखो एंड एट लास्ट इफ यू रियली लाइक दिस ब्लॉग दैन प्लीज़ टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। मेरा वॉइस इग्नोर करना, बहुत बुरा हाल है, तभी बहुत ख़राब है, अभी बहुत बारिश भी हो रहा है, लेकिन जाना है मुझे। एंड हियर इज़ माई ओवो टीवी, मैं दिखाऊंगी बाद में आपको, बहुत लेट भी हो रही हूँ। तो गाइस स्टे विथ मी टिल एंड, सो चलो चलते हैं। हियर इज़ माई फुल ओवो टीवी। तो मैं जा रही हूँ अभी लिफ्ट की तरफ, बहुत लेट हो गई हुई थी और आज ना तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, लेकिन जन्माष्टमी है तो जाना ही पड़ेगा मुझे। और ये देखो मैं दिखाती वाली में, तो ये मेरा आउटफिट है। तो अभी तेजू नीचे गई है, ऑटो भी बुक हो गया है, तो हम लोग निकल जा रहे हैं। मेरा ये ड्रीम था कि जन्माष्टमी के टाइम में इस्कॉन जाऊँ एंड फाइनली आज ये दिन है और मैं आपको पूरा शेयर करूँगी, आप ब्लॉग पे बने रहो। हल्का हल्का बारिश भी हो रहा है। मैं और तेजू यहाँ से जा रहे हैं और मेरे बाकी दोस्त किसी और के पीजी से जा रहे हैं। तो हम लोग निकल गए इस्कॉन के लिए। दिस वॉज माई ड्रीम कि जन्माष्टमी के टाइम मैं इस्कॉन जाऊँ एंड फाइनली इट्स हैपनिंग टुडे। पहले आप लोग बताओ कि कौन है, देखो आप पहचान पा रहे हो कि नहीं। अगर नहीं पहचान पा रहे हो तो मंदिर जाके मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कौन है मेरे साथ। इट विल बी अ बिग सरप्राइज फॉर यू। अभी ना बारिश थोड़ा कम है, ठीक है। अभी तो मैं सोच रहे थे कि चलो अच्छे से पहुंच जाएंगे। बहुत ठंडा, बहुत ठंडा, बहुत ठंडा, इतना ज़्यादा ठंडा। हम लोग के यहाँ पे नवंबर के टाइम ऐसा ठंडा रहता है, यहाँ इतना ठंडा है और बारिश तो हो ही रहे। बारिश हो रहा है ना कि क्या पता है, बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रहा है, बस कैसे कैसे करके पहुँच जाए। और ये है हम लोगों का बेंगलुरु का ट्रैफिक, जो कि सबको पता है, लेकिन कल मेरे को एक घंटा लग गया है इस्कॉन जाने में। इवन ड्राइवर भी बोले थे इट्स बिन वन आवर, मतलब हर कोने गली में ट्रैफिक था, हर गली गली में ट्रैफिक था। और यहाँ तो बुके की शॉप के सामने हम लोग खड़े हुए थे और मेरे को बहुत मन कर रहे थे कि एक बुके ले लूँ मैं अपने लिए। भीड़ है, बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। पहले तो मेरे ना बाकी दोस्त लोगों ने अंदर नहीं गए, लेकिन मैं और तेजू भी गई थी अंदर। हेलो,
बहुत भीड़ है। Call you. Teju. और यहाँ मैसूर पार्क मिला प्रसाद में, अभी हम लोग का दर्शन हो गया है, अभी हम लोग जूता लेने जा रहे हैं अपना। तो हम लोग का दर्शन हो गया है, बहुत
ज़्यादा ठीक है, दर्शन हो गया है, बहुत ही अच्छा हुआ है। चलो मिलते हैं, अभी डिनर करना है, देखते कहाँ जाते हैं। ये है ओरियन मॉल और हम लोग अभी जा रहे हैं रामेश्वरम कैफे फॉर डिनर। बहुत ही ज़्यादा भूखे हैं। फाइनली पूरा डिनर मैं आपको आज पूरा रामेश्वरम कैफे दिखाऊंगी। सो स्टे विथ मी गाइस। ये भी देख लो ओरियन मॉल। मैं अभी तक ओरियन मॉल नहीं आई हूँ, अगर आऊँगी तो दिखाऊंगी। सब तो अच्छे ही बोलता है। पीछे देखो है, अभी हम लोग बहुत ही ज़्यादा भूखे हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं रामेश्वरम। अभी हम लोग जा रहे हैं रामेश्वरम कैफे और ये मेरा फर्स्ट रामेश्वरम कैफे होगा। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा भूखे हैं। लेकिन तेजू को शॉपिंग करना है फ्रॉम H&M, पता नहीं पागल पगल लिया इसको, लेकिन अभी नहीं करेंगे शॉपिंग, अभी खाने चलता है। चला जाए ये है रामेश्वरम कैफे, देखो कितना भीड़ है। केसरी पात और घी पूरी इडली। हम लोगों ने बहुत कुछ मंगवाए थे जिसमें से था फिल्टर कॉफ़ी, ये है फिल्टर कॉफ़ी, देन केसरी पात, उसके बाद ये है घी पूरी इडली, उसके बाद ये है वेनिला मिल्क शेक एंड मैंने लिया था घी प्लेन डोसा। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस वाज रियली नाइस, बहुत ही ज़्यादा अच्छा कैफे है वो, खाना भी बहुत बढ़िया था। देखो मैं कैसे खा रही हूँ, एक तो बहुत भूखी थी और ऊपर से इतना अच्छा अच्छा खाना मिल गया था, एकदम खाए जा रही हूँ खाए जा रही हूँ। इसके बाद मैं पूरा फुल हो गई। टेस्टी था, ये मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था और बहुत ज़्यादा टेस्टी था खाना। हम लोग ये घी पूरी इडली, घी पूरी, घी प्लेन डोसा, वन वैनिला मिल्क शेक, फिल्टर कॉफ़ी और केसरी पात, सारे के सारे डिशेज बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। अब तो आओ, आपने तो नाम सुना ही होगा रामेश्वरम कैफे का, मैं ही लेट हो गई हूँ। तो मैं पूरा फूल हूँ और तेजू खा रही है। अभी बहुत टाइम तक खड़ी थी तो मैं बैठने का मन किया तो मैं बैठ गई थोड़ा। तो अभी चलूँगी, अभी ऑटो बुक करना है, तो चलो बाय। चलो चल, रात भी हो गया है बहुत, हम लोगों को निकलना है। और ये देखो अभी भी कितना भीड़ है, सुबह 4 बजे तक खुले रहते हैं ये। अभी ऑटो बुक करना है। तो हम लोग आज के लिए घूमना फिरना हो गया है और तेजू अभी ऑटो में बुक कर रहा है। नो नेटवर्क, प्लीज ब्रिंग योर डोंगल्स। अब इसको जो भी डोंगल्स प्रोवाइड करना चाहते हो वो कमेंट करके बता देना, ठीक है। तो चलो अब मैं चलती हूँ, बाय गाइस। इसके पास दो दो, ये मेरा बैग है, पूरा सामान है और ये फ्रीजर का बैग है, मालूम है क्या क्या है अंदर? अंदर खाली है, खाली है। इसका मतलब है तुम अमीर हो, हम गरीब है। अमीरों का बड़े बड़े बैग, गरीबों का छोटा छोटा बैग। आई
all water bottles charges. I can't beg everyone to charge it. हाँ, हम लोग का ऑटो आने वाला है, बोले 5 मिनट रोक ले, तो हम लोग वही रुके हैं। यहाँ देखो कितना भीड़। तो ऑटो बुक करके और अभी हम लोग जा रहे हैं वापस रूम। तो रूम में जाके आई थिंक आज कंटिन्यू नहीं करेंगे ब्लॉग, तो चलो कल मिलता है। गुड मॉर्निंग। तो ये है नेक्स्ट डे। मैं तो कल आ गई थी, बहुत रात भी हो गई था, आपने देखा होगा। और क्या, बहुत अच्छा दर्शन हुआ है और मैं और तेजू बहुत ब्लेस्ड है और लक्की भी है, क्योंकि हम लोगों का बहुत लंबा ग्रुप हुआ था, उसमें से बस मैं और तेजू ही दर्शन किए। वो लोगों को भी करना चाहिए था, जो भी व्लॉग देख रहे हो आप सुनो, करना चाहिए था, अंदर जाना चाहिए था, क्योंकि वो लोगों को ना लगा कि बहुत भीड़ है गेट में, मेन गेट तो एक ही होता है, उसमें बहुत ज़्यादा भीड़ था, तो इन लोगों को लगा कि शायद अंदर नहीं जा पाएंगे। तो वो लोग बोला कि, अंजलि बोल रही थी कि हम तो नहीं जा रहे अंदर, हम लोग जा रहे ओरियन मॉल। अब भाई इतना दूर हम लोग गए, इतना खर्चा करके गए, ओरियन मॉल के लिए तो नहीं गए, तो इसलिए मैं गई इस्कॉन टेम्पल। तो हम लोग वहाँ पर गए, दर्शन बहुत ही अच्छा था, भीड़ बहुत था लेकिन कोई क्राउड तो जैसे सफोकेशन वाला फील नहीं हुआ, बहुत ही ज़्यादा भीड़ था क्योंकि वहाँ पर रूल्स रेगुलेशन बहुत ज़्यादा अच्छा था। और प्रसाद मिला था एक मैसूर पाक, वो मैं मेरी रूममेट के लिए लेके आई थी। और तो दर्शन अच्छा हुआ, फंक्शन वंक्शन हो रहे थे काफ़ी, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि ये मेरा एक था कि हमेशा कि जन्माष्टमी के टाइम मैं इस्कॉन जाऊँगी, तो फाइनली ये मेरा पूरा हुआ है। ऑफकोर्स मैं हमेशा जाना ही चाहती हूँ, ऐसा नहीं कि एक दिन हो गया तो हो गया, तो मैं हमेशा जाऊँगी। और उसके बाद आते टाइम डिनर हम लोग किए थे रामेश्वरम कैफे, आपने देखा ही होगा, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था, मैंने सोचा पास है तो चलो चलता है। बहुत कुछ मंगवाई थी, घी पूरी, इडली, घी, प्लेन डोसा, फिर केसरी बात, देन वैनिला मिल्क शेक और फिल्टर कॉफ़ी। फिल्टर कॉफ़ी तो बहुत दिन बाद पिया। ओवरऑल माय एक्सपीरियंस वाज रियली नाइस। तो आपने तो ये होता है ना कि फेमस कैफ़े हैं बेंगलोर में, सब लोग गए होंगे, अगर आपको नहीं पता आप लोग जाओ, आप एक्सपीरियंस करो, खाओ पियो ऐश करो। सो आज के व्लॉग हम यही ख़त्म करते हैं। स्टे ट्यून फॉर माई नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड बाय।